पूरे देश की जनता को इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कम वो सूची आ जाएगी, जिस सूची में ये पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स किन्होंने दिए हैं। अब सवाल यह है कि वो सार्वजनिक होगा कि नहीं होगा, हम और आप जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। बीजेपी तो जानती है कि उसे कहां से चंदा मिला है, या हमें चंदा मिला हुआ तो हमें तो पता है कि कहां से चंदा मिला है। ये जनता जान पाएगी कि नहीं जान पाएगी, सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, या जो साथी इस बात को चाहते हैं कि जनता जाने, तो मुझे उम्मीद है कि देश की जनता जानेगी कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स बीजेपी पे जो आए हैं या अन्य दलों पे जो आए हैं वो किन किन के माध्यम से पहुंचा। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन तय किया, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें घोषित की, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया, और आप देखना सबसे पहले जीत का भी जो संदेश आएगा वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन का होगा। तो सबसे पहले गठबंधन किया, सबसे पहले सीटों का बंटवारा किया, सबसे पहले पार्टी कैंपेन सॉन्ग रिलीज किया, तो आप पहली सूचना भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सीट के जीत का आपको सुनने को मिलेगा। जहां तक बीजेपी का सवाल है, कल भी आपने भाषण सुना होगा, जो एयरपोर्ट रनवे का उद्घाटन हुआ वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, नेताजी के समय पर बना, उसका एक्सपेंशन समाजवादी पिछली सरकार में हुआ, चाहे वो आजमगढ़ हो, चित्रकूट हो, मुरादाबाद हो, या लखनऊ का जो टर्मिनल बना है, जिस समय समाजवादी सरकार थी लैंड एंड एक्विजिशन से लेकर के सब काम उस समय हुए थे, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज आपको वो काम सब दिखाई दे रहे हैं। ये जो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, ये सबसे ज्यादा झूठ है। सबका साथ कहां दिखाई दे रहा है, सबका साथ कहां दिखाई दे रहा है, सबका विश्वास कहां है, इससे ज्यादा झूठा नारा और क्या हो सकता है। इसीलिए ये चुनाव संविधान बचाने का है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान दिया उसको बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो समाजवादी सपना देखा उसको बचाने का है, नेताजी ने जो रास्ता दिखाया किसान गरीब अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों का, उनका हक और सम्मान बचाने का चुनाव है। क्या कहते हैं कि हम दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था बन गए, विश्व गुरु बन गए, विकसित भारत बनाना चाहते हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, और 90% लड़का पढ़ा लिखा बेरोजगार है, का जो गणित है इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। न पीडीए का जवाब है उनके पास, न किसान की आय दोगुनी का जवाब है, न महंगाई का है, और न ही नौकरी का है। मतलब अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी होगी क्या? आप MSP दीजिए और पूरी नौकरी और दीजिए, जिससे वर्दी पहन करके नौजवान को सम्मान मिल सके। कर्ज के चलते कल लखनऊ में कारोबारी सुसाइड हो गया। एक नहीं, अगर हम NCERB के आंकड़े देखेंगे तो 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। नौजवानों की अगर हम देखेंगे, गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, आप सोचिए परीक्षा कैंसिल हो गई, नौकरी नहीं मिली, तो वही ब्रजेश पाल नौजवान कन्नौज का, उसने अपनी डिग्रियां जला दी और कहा कि ये डिग्री किस काम की है जो मुझे नौकरी नहीं दिला सकते। वही फरीदाबाद में एक बेटी वर्षा परीक्षा कैंसिल हो गई, उसकी वजह से आत्महत्या कर ली। ऐसे न जाने कितने केस हैं नोएडा से लेकर के गाजीपुर तक, जिसमें कई लोगों ने जान दी है, पुलिस के प्रताड़ना से जान जा रही है, पुलिस अन्यायकारी उससे जान जा रही है, सूदखोर डेली दबाव बना रहे हैं, जो लोकल स्तर पे सूदखोर हैं जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बलिया में, आपके इलाहाबाद प्रयागराज में, बहुत सारी जगह पर ऐसी घटनाएं, ये सब को बढ़ावा दे